Hello and welcome to my channel. Today I start a new series for environmental current affairs. I will explain environmental issues with its basic understanding. So today's video are on the species which is found in Himalayan areas. So it is Himalayan grey langur. तो आज ये न्यूज़पेपर में हम लोग कवर करेंगे. और ये न्यूज़पेपर में क्यों आया, बेसिकली एक जर्नल है, जर्नल ऑफ थ्रेट एंड टैक्सा, उसमें पब्लिश हुआ ये आर्टिकल. और इसमें तीन तीन प्राइमेटोलॉजिस्ट ने द हिमालयन ग्रे लंगूर को, जिसे चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट किया है उसकी फूड हैबिट के बेस पे. बिकॉज़ ये सिर्फ जो एल्टीट्यूडनल गैप की वजह से इनका फूड डाइट डिफरेंट है. मीन्स हाइट के बेस पे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, बट हैं ये सेम. तो हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे वन बाई वन, बेसिकली ये है क्या. तो सबसे पहले देखेंगे कि बात हम किसके बारे में करेंगे, कि द हिमालयन ग्रे लंगूर्स हैं और वो बेसिकली क्या ईट करते हैं, लीव्स को खाते हैं. तो यहाँ पे इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, सेमेनोपिथिस्कस एजेक्स. और ये बेसिकली कैसे होते हैं नेचर में, कोलोबाइन का मीन्स तो क्या होता है, लीफ ईटिंग मंकीज़. और ये कंसीडर किए गए हैं एंडेंजर्ड, बिकॉज ये 15 से 20 ग्रुप्स में सिर्फ कितने स्पीशीज़ बचे हैं, ओनली 1500. तो तीन प्राइमेटोलॉजिस्ट ने पांच ग्रुप को इनका मीन्स डीपली स्टडी किया कि इनके डाइट कंपोजिशन क्या क्या हैं. पर इन्होंने कंसंट्रेट किया है सिर्फ दो स्पीशीज़ पे जो कहाँ रहते हैं. अब बेसिकली स्टडी कहाँ हुई है, काला टॉप खाजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में. अब जो दो ग्रुप इन्होंने स्टडी के लिए गए हैं, एक तो काला टॉप फॉरेस्ट को लिया इन्होंने, जो काला टॉप फॉरेस्ट में रहती हैं स्पीशीज़, और अदर जो है खाजियार. और इन दोनों के बीच में सिर्फ कितना डिफरेंस है, ओनली 208 मीटर्स का डिफरेंस है. बट इसके फूड हैबिट्स काफ़ी डिफरेंट है. बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जो काला टॉप के मंकीज़ हैं वो क्या ईट करते हैं, लीव्स, और खाजियार के फ्रूट्स. तो ये इनका डिफरेंस है बेसिकली कि क्या क्या ये मींस बेसिकली जो डिफरेंस है वो लीव्स और फ्रूट्स का है. जो काला टॉप के मंकी हैं वो लीव्स को ईट करते हैं और खाजियार के फ्रूट्स को. और ये सिर्फ हमने किसके बेस पे देखा, एल्टीट्यूड मींस हाइट, कि इस हाइट के क्या ईट करते हैं और इस साइड के क्या ईट करते हैं. अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि हमको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन जो ये हिमालयन ग्रे लंगूर है उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है. तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. हिमालयन ग्रे लंगूर, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेमेनोपिथिस्कस एजेक्स. और ये कैसे नेचर में कैसा होता है, कोलोबाइन मींस जो लीव सीटर होते हैं, लीव्स को ईट करते हैं मींस ये. और इसको इसके अदर नेम क्या है, एक इसको हनुमान लंगूर भी बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, चंबा लंगूर. अगर इसके एंडेमिक नेचर को देखें, एंडेमिक का मींस क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में ये लिमिटेड होते हैं. तो ये अगर इंडिया में बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, J&K एंड हिमाचल प्रदेश में. अगर इसके साथ ही हम अदर कंट्रीज़ की बात करें कि इंडिया के अलावा ही कहाँ, इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो नेपाल और पाकिस्तान में भी ये हमको दिखेंगे. इसके हैबिटेट को अगर हम देखेंगे तो एक अराउंड कितने हाइट में मिलेगा, 2200 से लेके 4000 मीटर्स की हाइट पे हमको देखने को मिलेगा. और ये कहाँ कौन सा इसके लिए मींस इस सी लेवल पे हमको कौन सी जोन मिलेगी, एक तो सब ट्रॉपिकल, बेसिकली ये सब ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल मोइस्ट एंड टेम्परेट अल्पाइन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलेगा, जहाँ पे ब्रॉड लीव्स होती हैं, मीन्स बड़े शेप की जहाँ पे लीव्स रहती हैं, हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, या स्क्रब लैंड्स में। मीन्स हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि कोई लीफ ईटिंग मंकी होते हैं, तो ये उसी उसी तरह के इन्वायरमेंट में या उस तरह के जहाँ पे ट्री हैबिट होगी वहीं पे सर्वाइव कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर इनके प्रोटेक्शन को, अब इसका अपीरियंस देखते हैं कि होता कैसा है, तो ये आप प्लीज़ इसको थोड़ा स्लाइड को रोक के देखिए इसका अपीरियंस कैसा होता है। जनरली ये हम लोगों ने देखा हुआ होता है। अगर इसकी बात प्रोटेक्शन की करें तो ये प्रोटेक्शन, अब सपोज़ कीजिए इनको मोस्टली स्पीशीज़ जो ज़्यादा एंडेमिक मीन्स ज़्यादा कम बचे हैं वो एक पर्टिकुलर प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन में रखे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये इसको कहाँ पर रखा गया है, शेड्यूल सेकेंड के पार्ट वन में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। अगर इसकी बात करें IUCN की, तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है IUCN में। अब क्यों रखा गया है, कि बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रेंज हैबिटेट की वजह से। अगेन अगर हम साइट्स का डिस्कस करें, तो ये साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। अब ओवरऑल इसकी थ्रेड्स को देखें, तो बेसिकली इसमें क्या है, तीन थ्रेड्स हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज रोड कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। तो ये इसके थ्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, तो ये जो गोल्डन ये लंगूर हैं, ये जो सॉरी ग्रे लंगूर्स हैं, इनका एक की पोजीशन है एक इन्वायरमेंट में, मीन्स फूड चेन में। फूड चेन पता है हम लोगों को, एक सीक्वेंस होता है फूड कंजप्शन का। तो ये बहुत सारे फॉरेस्ट में काफ़ी की रोल प्ले करते हैं वहाँ के फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। और ये सारे किस, जनरली जो सारे लंगूर्स हैं वो किस जीनस में आते हैं, सेमेनोपिथिस्कस में। अब थोड़ा ये हमने ग्रे लंगूर के, हिमालयन ग्रे लंगूर के बारे में डिस्कस किया। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्टडी जहाँ पे हुई है, कालाटोप खाजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसकी पोजीशन को देखेंगे। तो अगर हम इसकी, अब UPSC जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर के, रिवर कौन सी बहती है, तो ये रावी रिवर के जो वो एरिया है, वो ड्रेनेज एरिया, ये वहाँ पे हमको मिलेगा देखने के लिए। मीन्स रावी रिवर के ड्रेनेज एरिया में ये बेसिकली प्रेजेंट है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ पर है, कालाटोप खाजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में। और अब बात करें वेजिटेशन की ये वाले रीजन में, तो ग्रीन ओक, ब्लू पाइन, रोडोडेंड्रोन, ये सब यहाँ पे स्पीशीज़ हमको प्लांट की मेनली देखने को मिलेंगी। अगर फौना की बात करें, डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक माउंटेन लंगूर, और बहुत सारी ब्यूटीफुल बर्ड्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट विल बी द मेन पॉइंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एल्टीट्यूड की वजह से दो सिमिलर जो भी स्पीशीज़ हैं, वो उनकी डाइट में क्या डिफरेंस आया, और ये हमने डिस्कस किया है किस स्पीशीज़ के बारे में, हिमालयन ग्रे लंगूर, और वो किसको प्रीफर करते हैं। ये पांच ग्रुप पे स्टडी किया था, बट कंसंट्रेट किस पे किया था, दो पे, एक काला टॉप पे और एक खाजियार पे। जैसा इसकी मेन जिस प्लेस पर डिस्कस किया है उसी में दोनों नाम है।
और ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, और ये किस पर लाई करता है, रावी रावी रिवर पर। और ये कैसे होते हैं, कोलोवाइन नेचर के होते हैं, ईट लीफ ईटर्स होते हैं ये। और इनके जो डिफरेंस है सिर्फ कितने मीटर पे आया, 208 मीटर पे ही हम इसको देख सकते हैं, इसकी फूड हैबिट कितना डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। और ये इनको हनुमान लंगूर और वेस्ट बंगाल में चंबा लंगूर भी कहते हैं, और एंडेमिक है इंडिया में, कहाँ पर, J&K और हिमाचल प्रदेश में। और अदर कंट्रीज़ में बात करें तो नेपाल और पाकिस्तान में। और ये कहाँ पे, कितनी हाइट पे मिलते हैं, 2200 से 4000 मीटर तक मिलते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं, टेम्परेट में, और बेसिकली जहाँ पे ब्रॉड लीव्स होंगी बिकॉज ऑफ फॉलीवेरस नेचर की वजह से, मीन्स कोलावाइन होते हैं, तो इसलिए इनको बड़ी लीव्स के लिए ज़्यादा ये सूटेबल होते हैं, मीन्स बड़ी लीव्स इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। अपीरियंस देखें तो ये कुछ इस तरह का रहता है। और बेसिकली जो हमको ज़्यादा ध्यान रखना है वो इसका प्रोटेक्शन, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ पे रखा है, Schedule 2 के Part 1 में, एंड IUCN में एंडेंजर्ड रखा गया है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और जो थ्रेट्स हैं बेसिकली वो किससे हैं, एग्रीकल्चर से, रोड कंस्ट्रक्शन से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो भी हैं उनसे ये हार्म हो रहे हैं। और ये थोड़ा हमने देखा था काला टॉप खाजर, बेसिकली इसके बारे में आपको रावी रिवर तो ज़रूर याद रखना है। सो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।